सेवन थ्री को ऑब्जर्व करने के बाद मोरो अब और भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हो चुका है, जिसे देख हमारे जी फाइटर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। मगर गोकू और बाकी सब कुछ सोच पाए उससे पहले ही वेजिटा उठ खड़ा होता है और मोरो पर फिर से हमला कर देता है, जिसे मोरो ने बड़ी आसानी से डॉज भी कर लिया। मगर वेजिटा चाहे जितना अटैक कर ले वो मोरो को टच भी नहीं कर पाता। इनफैक्ट यहाँ अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोरो खुद वेजिटा को उसे टच करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वेजिटा के पंचेस से उसकी ताकत फिर एक बार और कम हो सकती है। फिर नीचे से गोहान वेजिटा को आवाज़ लगाता है, कहता है कि उसने भले ही 7-3 को ऑब्जर्व कर लिया हो मगर उसकी ये ताकत सिर्फ 30 मिनट तक ही रहेगी, उसके बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। मगर हमारा समझदार गोहान ये बात भूल गया है कि ये 7-3 नहीं है बल्कि मोरो है जिसने 7-3 को ऑब्जर्व किया है, और यह मोरो 7-3 की लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व करके पावरफुल हुआ है जिसमें टाइम लिमिट नहीं होती, बल्कि उल्टा अब तो वो 7-3 की कॉपी करने वाली एबिलिटीज़ का भी यूज़ कर सकता है, जैसा उसने यहाँ वेजिटा के साथ किया। मोरो ने वेजिटा को गले से पकड़कर उसकी सारी एबिलिटीज़ को भी कॉपी कर ली। अब गोकू बाद में आया तो वो 7-3 की एबिलिटीज़ के बारे में नहीं जानता था, तो गोहान अपने पापा को 7-3 की एबिलिटीज़ के बारे में बताता है, और ये भी कि अब मोरो ने वेजिटा की भी पावर्स को कॉपी कर ली है। और अब जैसे ही वेजिटा नीचे ज़मीन पर गिरता है वैसे ही मोरो उस पर वेजिटा से कॉपी किया हुआ अटैक वेजिटा पर ही यूज़ करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वेजिटा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये ड्रैगन बॉल की मांगा एक्सप्लेनेशन का 11वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर, तो चलो अब यार शुरू करते हैं। दोस्तों वेजिटा की हालत को देखकर मोरो वेजिटा को चिढ़ाता है, मगर परिस्थिति का सही अनुमान तो सिर्फ पीकलो ने ही लगाया। अब क्योंकि मोरो ने वेजिटा की एबिलिटीज को कॉपी कर लिया है तो वो अब वेजिटा का फोर्स स्पिरिट फ्यूजन भी यूज कर सकता है, जिसका नुकसान हमारे जी फाइटर्स को ये होगा कि अगर फ्यूचर में सपोज गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस के जरिए या पोटारा ईयरिंग्स के जरिए फ्यूज होकर उसे मुकाबला करने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोरो सिंपली उनके ट्रांसफॉर्मेशन को अंडू कर सकता है वेजिटा के नए मूव फोर्स स्पिरिट फ्यूजन के जरिए। फिर अगले पैनल में हम बल्मा को देखते हैं जो इस वक्त लुकआउट पर मोरो की फाइट का सीधा प्रसारण देख रही है। वहाँ डेंडे भी फाइट की गंभीरता को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ खुद नीचे जाकर हमारे जी फाइटर्स को हील करेगा, जिससे वो एटलीस्ट मोरो के खिलाफ लड़ाई करने में सक्षम हो सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे लड़ाई तो होनी नहीं है और वो लोग वहाँ खड़े खड़े कुछ और कर भी नहीं सकते। मगर साथ ही वो लोग ये भी जानते हैं कि धरती पर सिर्फ यही लोग हैं जो फिलहाल के लिए मोरो का सामना कर सकते हैं, इसलिए डेंडे एस्का और मिस्टर पोपो को यहाँ पर सबका ध्यान रखने के लिए कहता है और वो खुद चला जाता है हमारे जी फाइटर्स के पास उन्हें हील करने के लिए। वहाँ नीचे क्रिलिन भी सेंजुबिन लेकर तैयार था, वो सेंस कर सकता है कि मोरो के अलावा अब सबकी एनर्जी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अगर वो स्प्लिट होने से पहले गोकू को सेंजुबिन दे देता तो अब तक गोकू फिर से मोरो का सामना करने के लिए हमें तैयार खड़ा मिलता, मगर उन्हें इसका मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ गोहान और पिकलो भी मोरो का सामना करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं और मोरो पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब के रूप में मोरो उनके अटैक को ब्लॉक करके पलटवार करता है। फिर डेस्परेट होकर पिकलो मोरो को उसके पैरों से पकड़ लेते हैं ताकि गोहान को निशाना लगाने में आसानी हो, ये जानते हुए भी कि मोरो उन्हें जानबूझ के जिंदा रख रहा है ताकि फुर्सत में मोरो उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। फिर ध्यान भटकाने के लिए गोहान ऊपर से मोरो पर हमला कर देता है और फिर तब मौका देखकर गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू वाले फॉर्म में उस पर कामेहामेहा लॉन्च करता है। अब देखो हमें पता है कि इतने क्लोज रेंज में गोकू के ब्लू फॉर्म वाला कामेहामेहा फ्रीजा या सेल तक को भी हराने के लिए काफ़ी होता, मगर साथ में हमारे जी फाइटर्स को ये भी समझना होगा कि मोरो का इतने से काम खत्म नहीं होगा। मोरो उस अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है और वो भी सिर्फ एक हाथ से। अब क्योंकि मोरो के पास पिकलो की रीजनरेशन वाली एबिलिटी है तो ना कि वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट करता है बल्कि वो गोकू पर पलटवार भी करता है कुछ इस तरह। ये देख फ्यूरियस होकर गोहान भी मोरो पर हमला कर देता है, जिसे मोरो ने बिना अपनी जगह से ही झेल लिया। फिर मोरो सिर्फ अपने एक ही पंच में गोहान को डाउन कर देता है, जिससे हमें ये बात साफ हो गई कि अब मोरो किसी से भी रुका नहीं रुकेगा। फिर डेंडे पिकलो को टेलीपैथी से कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि वो अब वहाँ आ रहा है सबको हील करने के लिए, मगर मोरो ने उनकी बातें अपनी खुद की टेलीपैथी से सुन ली थी और ये बात पिकलो को भी पता थी कि वो उनकी बातें सुन लेगा, क्योंकि जाहिर मोरो के पास भी पिकलो की वो एबिलिटी है। मगर ऐसा ना हो इसलिए मोरो उस एरिया के आसपास एक बैरियर स्थापित करता है,
मोरो नहीं चाहता कि अब की बार फिर से बाहर का कोई भी उनकी इस लड़ाई में दखल दे, जिससे अब वहाँ डेंडे तो क्या क्रिलिन भी नहीं जा सकता उन्हें सेंजुबिन देने के लिए। फिर मोरो हमारे जी फाइटर्स के साथ खेलना शुरू करता है, पहले पिकलो और जाको और फिर अब 17 और 18। मोरो के सामने कोई नहीं टिक पाया। तब पिकलो जाको को सॉरी कहता है उसे इस धरती की लड़ाई में ज़बरदस्ती खींचने के लिए, मगर हमारा जाको समझदार है, वो कहता है कि सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। मोरो गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल से भागा हुआ कैदी है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर धरती ख़त्म होने वाली है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी इस धरती के साथ ख़त्म हो जाऊँ। ये सुनकर पिकलो में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया, इसलिए पिकलो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे वो अपने साथ मोरो को भी ले जाएं। ठीक वैसे ही जैसे माजिन बू सागा में वेजिटा ने किया था माजिन बू के खिलाफ, मगर पिकलो कुछ कर पाते उससे पहले पिकलो के ही अटैक का यूज करके मोरो पिकलो को मार देता है शायद। अब जो कि हमारे सारे जी फाइटर्स हार चुके हैं तो अब बारी है जाको की। वहीं दूसरी ओर डेंडे खुद को इसका दोषी मान रहा था क्योंकि वो अर्थ का गार्डियन है और एक गार्डियन के रूप में अर्थ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया जिससे वो हमारे जी फाइटर्स की एटलीस्ट मदद कर सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोरो का सामना करने वाला जाको हमारा आखिरी बंदा होगा, मगर मोरो को उसकी लाइफ एनर्जी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हमारे जी फाइटर्स के मुकाबले जाको की एनर्जी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसलिए मोरो के पास कोई वजह नहीं है जाको को जिंदा रखने की। मोरो की इस बात को सुनकर जाको बुरा मान जाता है, इसलिए वो मोरो पर अपनी गैलेक्टिक गन से हमला कर देता है। हमें बाद में पता चलता है कि जाको ने उस गन को या उस गन की बुलेट को, मुझे नहीं पता ये कैसे काम होता है, इन्फ्यूज़ किया था अपनी लाइफ एनर्जी से। अब उसका फ़ायदा जाको को ये हुआ कि मोरो अब पहले से ज़्यादा गुस्से में आ गया है। फिर अगले पैनल में हमें पता लगता है कि बैरियर का एक हिस्सा डेंडे के लिए खुल गया है। ये चमत्कार दिखाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि खुद मेरस है, जिसे देखकर लगता है कि वो यहाँ हमारे जी फाइटर्स का साथ देने के लिए आया है। दोस्तों आज की हमारे ड्रैगन बॉल सुपर की एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना है चलेगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।